आज हमारा नेपाल टूर का तीसरा दिन है और कहा जाए तो नेपाल में दूसरा दिन। हम इस वक्त नेपाल के पोखरा में हैं। पोखरा अपने फेवा झील के लिए फेमस है, या कहा जाए कि इस वक्त हम नेपाल के नैनीताल में हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे, आपको झील के नज़ारों के साथ आपको पूरा का पूरा वातावरण अलग दिखेगा पोखरा का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हैं पोखरा में और अभी इस वक्त बज रहे हैं दिन के 12। कारण ये है 12 बजने के दिन के, क्योंकि हमने कल रात को लेट नाइट 1 से 1.5 बजे हम पोखरा पहुँचे थे और सुबह हम 9 बजे जब अपने रूम से निकले तो हमें 2 से 3 घंटे लग गए परमिट बनाने में इमिग्रेशन ऑफिस में, क्योंकि हमें कल की यात्रा मुक्तिनाथ के लिए करनी थी। उसकी सारी डिटेल मैं आपको अगले ब्लॉक में दूंगा। आज हम पोखरा का साइट सीन कर रहे हैं, दिन के 12 बज चुके हैं, इसलिए आज पूरा साइट सीन तो नहीं हो पाएगा। हम आज जो भी कवर कर पाएंगे वो आज कवर करेंगे और अगले 2 दिन मुक्तिनाथ के लिए, उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे फिर हम जो बचा खुचा हमारा साइट सीन होगा उस दिन करेंगे। आज सुबह जब हम मॉर्निंग में निकले थे तो मॉर्निंग में जब भी हम लेक साइड की तरफ चल रहे थे 1 से 1.5 किलोमीटर, अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यू आ रहे थे लेक के, जिसको देख के अलग ही अनुभव हो रहा था। अभी हम पहला पॉइंट जो यहाँ से लेक साइड से 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, विंध्यवासिनी टेम्पल, जो कि यहाँ से लेक साइड से 5 किलोमीटर दूर है। आइए अब चलते हैं। विंध्यवासिनी टेम्पल में जब आप अंदर आते हैं तो पहले आपको मार्केट मिलती है और मार्केट से आप 100 मीटर अंदर आते हैं तो आपको 30 से 40 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है टेम्पल में। जब आप ऊपर टेम्पल में आते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये टेम्पल यहाँ के राजा के द्वारा बनाया गया था। पोखरा जो है काशी की ज़िले में आता है। काशी की के राजा ने जब सोचा कि मुझे यहाँ विंध्यवासिनी टेम्पल बनाना है तो उन्होंने ये मूर्ति लाने के लिए अपनी पुरुष सेना के कुछ लोगों को हिंदुस्तान भेजा। विंध्याचल पर्वत जो इस वक्त विंध्यवासिनी पर्वत जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, वो जब वहाँ से मूर्ति ला रहे थे उन्होंने इस जगह रेस्ट लिया था और मूर्ति को यहाँ रखा था। तो अगले दिन जब मूर्ति उठाने की कोशिश करी तो मूर्ति उठी नहीं, तो उसको यहीं स्थापित कर दिया गया राजा के कहने पर। और ये मंदिर आज के टाइम पर लोकल नेपालियों के लिए और देश विदेशियों के लिए हिंदू मान्यता का आधार बन चुका है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम ऊपर गए, जहाँ से हमको यहाँ के विंध्याचल पर्वत के अन्नपूर्णा पर्वत के नज़ारे देखे और पूरे पोखरा का नज़ारा दिखता है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। और मंदिर की भी जो शैली है बहुत अच्छी तरह बनी हुई है। यहाँ भगवान कृष्ण और हनुमान जी और गणपति जी के भी मंदिर हैं, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ दर्शन कर लिए हैं और हम यहाँ से बाहर जाके सीधे सरंगकोट के लिए निकलेंगे, जो यहाँ से सीधा रास्ता है सरंगकोट का। और अभी लेक साइड से हम यहाँ पे आने के लिए हमें 5 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा और अब यहाँ से हम सरंगकोट के लिए जा रहे हैं 6 किलोमीटर ऊपर। अभी हमने 6 किलोमीटर का सफ़र विंध्यवासिनी माता से 6 किलोमीटर का सफ़र करके हम अभी ऊपर आए हैं। पोखरा आपको बता दूँ 800 मीटर ऊपर है सी लेवल से, और इस वक्त हम पोखरा से 6 किलोमीटर में ही हमने 800 मीटर और भी प्लस हमने ऊपर तक चढ़ाई कर ली। टोटल मतलब समझिए 1600 मीटर हम ऊपर आ चुके हैं सी लेवल से और 800 मीटर ऊपर से। अभी मेरे पीछे आप देखिए, इसके पीछे पूरा पोखरा नीचे दिख रहा है, जहाँ पे सारा का सारा फेवा लेक दिख रही है और इतना प्यारा व्यू उधर दिख रहा है। आप कभी भी इसको आप अंदाजा देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ आपको आना है तो नीचे से आप केबल कार में भी आ सकते हैं। अन्नपूर्णा केबल कार है जो ऊपर लेके आती है यहाँ तक, और 450 रुपये इंडियन रुपीज़ पर पर्सन उसका चार्ज है, जो मैंने पता किया है। ये फॉरेनर के लिए बहुत मनपसंद जगह है पोखरा में, क्योंकि एक तो ऊंचाई मिल जाती है पोखरा से, जस्ट डबल 800 से ऊपर 800 और ऊपर आ जाते हैं 1600 ऊपर से। आपको यहाँ पर आप जो मेनली है एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जिसमें आप ये पैराग्लाइडिंग वगैरह जो 8000 रुपये नेपाली रुपीज़ मैंने पता किया है यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का चार्ज है। उसके अलावा आप नीचे व्यू देखेंगे तो पूरी फेवा लेक दिख रही है, और नीचे से इतना पता नहीं पड़ता, पोखरा इतना बड़ा है जो ऊपर से आपको व्यू दिखेगा, बीच में लेक बहती हुई। और अलग अलग एंगल से आप देखेंगे 200 मीटर के एरिया में, आप 300 मीटर में जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ आप देखेंगे, और आपको अलग एंगल से अलग अलग व्यूज़ दिखेंगे, जो आप यहाँ पर 1 से 2 घंटे इन्जॉयमेंट में व्यू देखते देखते आपके निकल जाएंगे। अभी मैं नीचे एक व्यू पॉइंट पर जा रहा हूँ, यहाँ से 50 मीटर आगे आपको दिखाता हूँ, और वहाँ से एक शांति स्तूपा दिख रहा है वो आपको दिखाता हूँ, जिसको पहले मैं मंदिर समझ रहा था, पर मैंने लोकल से पता किया तो मुझे बताया शांति स्तूपा है। मैं आपको दिखाता हूँ और आप वहाँ से देखो कितना प्यारा लगता है व्यू, आपको कितना प्यारा लग रहा है आप देखिए, मेरी उंगली के सीध में वाइट कलर के
जिसको मैं अभी गलती से मंदिर बोल रहा था। अभी दिन के 3:30 बज चुके हैं, हम नीचे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। इमिग्रेशन ऑफिस में जहाँ हमने परमिट बनाया था उसी के पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ हमने लोकल खाना खाने के लिए कि लोकल कैसी डिशेस रहती हैं। अधिकतर यहाँ दाल भात का एक कॉम्बिनेशन रहता है कि दाल चावल प्लस उसके साथ 2-3 सूखी सब्जियाँ होती हैं। वो हम नीचे जाके अब एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा देसी स्टाइल में खाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ खाते हैं। यहाँ पे मैंने चावलों को खाते हुए देखा कि सब हाथ से ही खाते हैं, और वाकई में चावल को खाने का मज़ा भी हाथ से ही है। ये नींबू मैं साइड रख देता हूँ। और मैं इसमें थोड़ी ऊपर से टमाटो चटनी सोच रहे होंगे क्या, पर मैंने यहाँ पे लोकल्स को ऐसे ही खाते कई बार देखा है, और एक बार यार टेस्ट करना भी। चावल का जो मज़ा हाथ से आता है ना, वो किसी से नहीं आता है। सही मानना, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, दिल की बात, मैं स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने अभी सब्जी अकेले अकेले खाना था ना, मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने अभी सब्जियों को मिक्स करके चावल के साथ खा रहा हूँ ना, स्वाद गेम चेंजर हो गया पूरा, अनएक्सपेक्टेड स्वाद कि ऐसा लग रहा है वाकई में मैं घर का खाना खा रहा हूँ और अच्छा खा रहा हूँ। और इसमें जो मसाले भी है ना, वो डिसेंट है। अब एक बार इसको मूली के साथ खा के देखते हैं। अकेले आप दाल से खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, साथ में आप चटनी या कभी किसी हर ग्रास में आप अलग अलग चीज़ मिक्स कर खाएंगे तो अलग अलग टेस्ट, अलग अलग मज़ा आ रहा है। और एक पापड़ का मुझे थोड़ा सा बहुत साइज ऐसा है, पर अलग गेम चेंजर हो सकता है ये भी अलग। पापड़ मुझे अलग किसी चीज़ का लग रहा है, पर मुझे अभी पता नहीं है, मैं ज़रूर पता करूँगा किसी चीज़ का। पर ये जैसे अपने यहाँ मूंग दाल के या चावल के आटे के बनते हैं, वो चीज़ नहीं है। अब इसको ख़त्म करते हैं के लिए चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम दो चीज़ें और कवर करेंगे, एक तो है गुप्तेश्वर केव, प्लस उसके ठीक सामने डेविस फॉल पड़ता है। उनका दोनों में भी एक कनेक्टिविटी है आपस में, बीच में मेन रोड है, एक तरफ केव है एक तरफ फॉल है, उनके बीच में क्या कनेक्टिविटी है वो आपको दिखा के उधर समझाएंगे। अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हम डेविड्स फॉल आ चुके हैं। डेविड्स फॉल में जब अंदर आप आते हैं तो 50 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ आपको पर टिकट कटवानी पड़ती है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो अंदर सबसे पहले आपको बुद्धा जी की स्टैचू मिलेगी, और राइट एंड पे एक स्टैचू मिलेंगे बर्फ़ के पहाड़ों के। और जब आप अंदर जाते हैं तो वैसे नज़ारे खुलते ही खुलते चले जाते हैं। अंदर आपको जो फॉल दिखेगा डेविड्स फॉल, उसकी सुंदरता देखते ही आप रह जाएंगे। कितनी धीमी गति से ऊपर से आ रहा है और जब नीचे गिरता है ना, वो ब्यूटी देखने लायक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ साइड में बता रहा हूँ, और आप देखेंगे ना जो ब्यूटी नीचे जाके खड्डे में गिर रहा है फॉल सीधे डेविड्स फॉल, उसकी देखने की ब्यूटी अलग ही है। आप ये आएंगे तो मेरे को पोखरा जो नीचे साइड सीन व्यू लगा, सबसे मेन ये लगा, आप इसकी सुंदरता को निहारिए। इधर 10-15 मिनट हम बिताने के बाद सामने जाएंगे, ठीक रोड पार करके गुप्तेश्वर महादेव, जिधर से इस डेविड्स फॉल का लिंक है उधर भी आपको ले चलेंगे। डेविस फॉल से होने के बाद हमने रोड पार करके गुप्तेश्वर महादेव जब टेंपल में जाते हैं, पहले तो हमको मेन मार्केट मिलती है। मार्केट पार करके हम पहले अंदर पहुंचते तो वहाँ में टिकट कटवानी पड़ती है 50 रुपये इंडियन रुपीज। टोकन सिस्टम से है, आप अपना जैसे आप मेट्रो में टोकन दिखाते हैं मशीन पे, वैसे दिखा के आप टोकन पार करते हैं मशीन को,
उसके बाद आपको कम से कम ये समझिए 50 फीट नीचे जाना पड़ता है सीढ़ियों की तरह। आप देख ही लोगे घुमावकार सीढ़ियाँ हैं। जब आप सीढ़िया से भी उतरते हैं तो आपको समुद्र मंथन की तस्वीर दिखती होगी, जो पेंटिंग से एक तरह दीवार पे सीनरियाँ बनी हुई हैं वो आप देखते हुए नीचे उतरते हैं। और अंदर आप जाते ही जाते हैं केव और भी गहरी होती जाती है, और आप जाके वहाँ पॉइंट पे पहुँच जाते हैं नीचे अंडरग्राउंड होते हुए, जहाँ से आपको डेविस फॉल गिरता हुआ नीचे दिखता है। जो आप डेविस फॉल वहाँ नीचे गिरते हुए दिख रहे थे, यहाँ से आपको साफ दिखेगा सामने गिरता हुआ वो। और इसीलिए कहा जाता है ये पाताल, इसको पाताल झरना भी कहा जाता है। ये बिल्कुल नीचे गिर जाता है और यहाँ केव से होता हुआ निकल जाता है। यही दोनों के बीच में कनेक्टिविटी थी दोनों के लिए। आप इसके 2 मिनट आप इसके व्यू को एंजॉय कीजिए, और फिर हम आधा से 1 घंटा अपने रूम में आराम करने के बाद हम जाएंगे लेक साइड में बोटिंग के लिए। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, हम आ चुके हैं लेक साइड पर बोटिंग के लिए। अभी अंदर बीच ताल में जो झील है फेवा लेक, यहाँ पे उधर एक मंदिर है। अभी शाम हो चुकी है, वैसे मंदिर 5 बजे बंद हो जाता है, पर मंदिर का गर्भगृह 5 बजे बंद होता है, बाकी मंदिर खुला रहता है। अभी शाम को यहाँ टाइमिंग भी 5:30 तक लास्ट तक जितने भी तक बोटिंग चलती है ले जाते हैं। अभी हम यहाँ से बोटिंग पे जा रहे हैं अंदर, मंदिर के दर्शन करेंगे और वापसी में यहाँ की आरती सुनेंगे। जो ये लेक है, यहाँ के लोकल्स का मानना है ये गंगा का एक रूप है, क्योंकि आगे जाके इंडिया में गंगा में ये मिल जाती है। तो इसके जो स्रोत हैं जो मिल के आगे का इंडिया में जाके गंगा में मिल जाते हैं, तो इधर गंगा का रूप दिया गया है इसको, इतना पवित्र माना जाता है और रोज़ यहाँ पे आरती होती है। तो हम इस वक्त हमने शाम का टाइम, इसलिए एक तो वेदर का मज़ा आएगा शाम का, ऊपर से जब हम मंदिर से वापसी लौटेंगे और अंदर बोटिंग कर रहे होंगे, तो वापसी लौटेंगे जब तो कुछ हम इंजॉय बोट से ही हम आरती का कर पाएंगे। तो आप चलते हैं अंदर। हम जब अंदर बोटिंग कर रहे थे तो हमने जो पर पर्सन 50 रुपीज़ दिया है, मतलब हम 6 पर्सन की हमारी टीम थी, तो हमने 300 रुपये दिया है इसको बोटिंग का, ले जाने का और आने का। आप लॉन्ग बोटिंग करते हैं तो 400 से 500 रुपये भी ले सकते हैं। और एक यहाँ पे सिंगल पर्सन जिसको स्विमिंग अच्छी तरह आती है, मेरा मानना है वैसे तो जैकेट है लाइफ जैकेट, स्विमिंग आती हो वही सिंगल पर्सन बोटिंग के लिए जाए, उनको खुद की बोट दी जाती है ₹300 ₹300 पर आवर के लिए, जो लोग कर भी रहे हैं। उसके बाद अभी अंदर मंदिर में हम आ चुके हैं, मंदिर में हम जो दर्शन कर रहे हैं, बाहर का टेक्सचर रात का टाइम है तो मैं आपको इतना कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, पर जो भी आपको समझ में आ रहा है टेक्सचर बहुत प्यारा है। गर्भगृह अभी क्लोज है और अभी हम वापसी जा रहे हैं, बोट में ही हैं, और अभी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे आरती का, और वो आप एंजॉय करिए। कितना प्यारा व्यू लग रहा है, लाइटिंग का भी वो आपने देख ही लिया होगा, कितना प्यारा लाइटिंग का व्यू लग रहा है। और आरती एंजॉय कीजिए। योग शोक हारी भजामि विंध्यवासिनी।
अभी हमने सारी आरती सुन ली है, आरती में बहुत आनंद आया और बहुत खुशी हुई। इतना सब बढ़ चढ़ के डांस के द्वारा और पूरा एंजॉयमेंट करते हैं। जब डांस होने लगा तो माहौल ही बिल्कुल गेम चेंजर हो गया, सब एंजॉय कर रहे थे। अभी शाम के रात ही हो चुकी है, संध्या हो चुकी है, 7:30 हो चुके हैं। अब आज हम इतने ही प्लेस कवर कर पाए हैं और अब जब हम कल मुक्तिनाथ के लिए निकलेंगे और परसों हमें कल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी मुक्तिनाथ, और मुक्तिनाथ से आते आते परसों रात हो जाएगी। इसका मतलब दो दिन के बाद जब हम तीसरे दिन रात परसों भी रात को आके हम पोखरा ही रुकेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने गाड़ी दूसरी करी है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वो आपको अगले ब्लॉग में पता पड़ेगा ऐसा क्यों। अब जब वहाँ से हम आ जाएंगे, आने के बाद हम जो भी हमारे पॉइंट 2 से 3 मेन पॉइंट रहे हुए हैं वो हम वैसे आज सुबह कवर करते हैं, हमारे टाइम नहीं था, इसलिए अब आने के बाद कवर करेंगे। तभी पोखरा का पूरा साइट सीन कवर होगा, उसको कवर करने के बाद ही हम निकलेंगे काठमांडू के लिए। तो अभी हम नाइट लाइफ इन्जॉय करेंगे, आप उसके मोमेंट इन्जॉय करिएगा। बाकी अभी हम होटल जा रहे हैं, वहाँ से चेंज करके हम जाएंगे नाइट लाइफ इन्जॉय करने के लिए पोखरा की, जो कि नेपाल में दो ही नाइट लाइफ है मेन इन्जॉय करने के लिए, पोखरा और काठमांडू की, काठमांडू की थमेल मार्केट। और अभी यहाँ पे हम पोखरा की नाइट लाइफ इन्जॉय करेंगे। अभी मैं आपको यहीं बाय बाय कह रहा हूँ, वो मोमेंट्स आप इन्जॉय कीजिएगा और अगले ब्लॉग में बने रहिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? अभी हम नाइट लाइफ इन्जॉय करने के लिए घूम रहे हैं अभी नेपाल के पोखरा मार्केट में, और आप ये समझिए इंडिया का गोवा, वहाँ से आप इसको कंपेरिजन कर सकते हैं इंडिया के गोवा से। और यहाँ मैं देख ही रहा हूँ, अभी आपको थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ थोड़ा, तभी आप इसको कुछ समझ पाएंगे। और ये समझिए यहाँ की नाइट लाइफ बहुत इन्जॉय की जाती है गोवा में, नेपाल में। ये माना जाता है नेपाल की नाइट लाइफ के लिए पोखरा। आइए दिखाता हूँ आपको कुछ सीन्स।